व्हाट्सअप गाइस, इस बारे में आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगी एग्जिस्ट करता है कि ऐसी चीज़ होती भी है घरों के लिए। दोस्तों ये चीज़ है फायरप्लेस। फायरप्लेस वो चीज़ होती है जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज में, हिंदी मूवीज में भी होता है कि आपके घर में दिखाते हैं लोगों के घरों में अंगीठी जली होती है, ऊपर चिमनी होती है, छत पे निकल रही होती है। तो दोस्तों ये है फायरप्लेस, पर उसके लिए आपको घर में असली लकड़ी चाहिए होती है, असली कनेक्शन चाहिए होता है जो आपका घर से आपके लिविंग रूम से लेके आपकी छत तक जाता है। दोस्तों ये है हमारी फायरप्लेस, पर ये है इलेक्ट्रिक, इसके लिए कोई लकड़ी की जरूरत नहीं है, कोई आग की जरूरत नहीं है, कोई इसे धुआं नहीं होता, कोई इसे नुकसान नहीं है। दोस्तों आइए इसको खोल के देखते हैं। डब्बा इसका बहुत बड़ा है तो इसका साइज भी बड़ा है इसलिए। नीचे रख देता हूँ मैं दोस्तों को। खोलते ही हमें इसके अंदर सबसे पहले मिलता है इसका एक रिमोट और साथ में मिलता है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल की कैसे इसको चलाना है कैसे, पर ज्यादा ऐसा मुश्किल है नहीं इसके अंदर कुछ। साथ में इसके रिमोट, देखते हैं इसके अंदर सेल है कि नहीं, मेरे ख्याल से सेल नहीं होंगे। ये हमारा रिमोट है, इसमें ऑप्शन है आग बढ़ाने का, तेज करने का, इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने का। आइए इसमें अपने सेल डालते हैं। पहले सेल हमारे ये ट्रिपल है, छोटे सेल डालेंगे। अब चल रहा होगा रिमोट हमारा। एक बड़ी खास चीज है इसकी रिमोट में, इसके ऊपर बटन दबाने में लाइट भी आती है, तो अगर आपके सेल अगर वीक हो या आपका खराब हो गया हो रिमोट बाय चांस, तो आपको पता चल जाएगी अगर लाइट नहीं जल रही तो आपके समझ लीजिए कि ये सेल खराब है या रिमोट खराब है। दोस्तों ये है हमारी फायरप्लेस, थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि मैंने एक बार इसको फिटिंग करवाने के लिए लेके घर पे गया था, मैंने प्रॉपर फायरप्लेस बनाया है। तो ये जो है आपकी एक तरह से दीवार के अंदर फिट हो जाती है, ये पार्ट फ्रंट पे आपको दिखेगा। ये देखिए, अगर आपको लाइट से देखेंगी तो यहाँ पे लकड़ियाँ बनी हुई हैं, देखिए आई थिंक शायद असली की लकड़ी है ये नहीं मालूम, पर लकड़ी की लुक जरूर है। और सामने अगर देखेंगे तो यहाँ जाली बनी हुई है। इसमें दो तीन मॉडल आते हैं, इस मॉडल में खासियत ये है कि इसके अंदर हीटर भी है। सपोज कि आप जैसे गर्मियों में जरूरत नहीं होगी, सर्दियों में अगर आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे रिमोट से या मैनुअली। इसमें मैनुअल का बटन नहीं है, खाली आप रिमोट से ही चला सकते हैं। तो ये शायद ड्रॉबैक होगा कि अगर आपका बाय चांस रिमोट खो गया है, खराब हो गया, तो आपका जो फीचर में सेटिंग हो रखी है वो उसी पर रह जाएगी, या फिर आपको शायद नया रिमोट खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है इसका 2000 वाट का, मैंने पूछा था 2000 वाट का इसके अंदर हीटर है। हीटर के अंदर इसकी सेटिंग्स हैं हमारी, दो सेटिंग्स हैं, एक लो है एक हाई है। लो में शायद 1500 वाट पे चलता है और हाई पे 2000 वाट पे चलता है। तो यहाँ पे देखिए डू नॉट कवर लिखा हुआ है, हॉट है। तो जब आप उसको लगाएंगे तो जैसे घर में हीटर आप लगाते हो गर्म होता है, तो ये भी एरिया आपका गर्म हो जाएगा। पर आपकी ये स्क्रीन है, ये कांच का है और ऊपर ये आई थिंक लोहे का है, ये लोहा या एल्यूमिनियम है, और उस पर आपकी पाउडर ब्लैक कोटिंग हो रखी है। ये वाइट कलर का भी आता है, सिल्वर कलर का भी आता है, आपको ऐसे लोकल मार्केट में मिलेगा नहीं, इसकी स्पेशल शॉप्स होती हैं क्योंकि ये एक्सपोर्ट का माल है। ये चाइना से आता है और शायद और भी कहीं से आता होगा, पर मेरे हिसाब से चाइना से आता है। और इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं तो आपको, आइए मैं इसको चला के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो इसके अंदर हमें मिलती है ये एक 3 पिन का जो प्लग है, नॉर्मल है, कोई इसके लिए आपको 16 एम्पियर का वोटा प्लग नहीं चाहिए, नॉर्मल सॉकेट के अंदर भी चले जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज है। और मुझे एक डाउट है क्योंकि आपके जो हीटर के प्लग होते हैं
वो 16 एम्पियर के होते ज्यादातर, तो बाय चांस वो मेरा कई बार मैंने चला के देखा है कि जो प्लग होता है मैं नॉर्मल में डाल देता हूँ, पर वो प्लग जो है हीटर की गर्मी से इतनी वोल्टेज लेता है वो प्लग ही जल जाता है। तो होपफुली ये चलता हो, इस पे लिखा हुआ है 10 एम्पियर 250 वाट के प्लग के ऊपर लिखा हुआ है। तो उसकी वायर का साइज है आई थिंक 2 मीटर की वायर होगी, और ये मैंने इसको ऑन कर दिया और देखते हैं अब इसको चला के। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से, अगर आप देखें तो एकदम आर्टिफिशियल वायर सी लग रही है, फायर लग रही है। इसके अंदर आई थिंक सेटिंग्स भी हैं, मैं करके देखता हूँ उसके अंदर, क्योंकि तो मेरे को अभी तक तो चलाना आया नहीं है, मैंने ज़्यादा बार चलाया नहीं है कि ये कैसे चलता है। रिमोट तो देखो, ये देखिए इसकी एक सेटिंग लो हो गई, और मैं एक उसको हाई करके देखता हूँ। अब अंधेरे में करूँगा तो शायद ज़्यादा बेटर पता चलेगा, आइए लाइट बंद करके देखते हैं। दोस्तों ये देखिए एकदम, अगर आप देखेंगे तो एकदम असली फायर की तरह लग रहा है। ये देखिए इसकी फायर लो हो गई है, ये सबसे लो सेटिंग है देखें दो। और मैं इसकी बढ़ाता हूँ, देखिए अगर आपको अलग अलग जिस हिसाब से फील देखेंगे, यहाँ की साइड पे भी ऊपर की साइड पे आपको हल्की हल्की लपटें दिख रही हैं जो कैमरे में शायद नहीं दिख रही हों। अब मैं इसे बढ़ाता हूँ, देखिए थोड़ी ब्राइट हुई, ये 3rd नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये 5 सेटिंग्स हैं इसकी। जिस सेटिंग पे चलता है अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लग रहा है। ये देखिए एकदम लपटे आपको असली दिखेंगी। तो ये इसके अंदर हमारी है, इसके अंदर एक एलईडी, आई थिंक एलईडी का डिस्प्ले लगा हुआ है, और यहाँ पे जो इसके एक बल्ब होता है, नॉर्मल बल्ब होता है जो अगर आप देखें तो आपकी शायद रेफ्रिजरेटर के अंदर लगता है, छोटा सा जो ट्रांसपेरेंट बल्ब होता है 1 वॉट का शायद होता है, 1-2 वॉट का, तो वो इसके अंदर लगता है। आप किसी और से चेंज करा सकते हैं बाई चांस, अगर आपका अगर वो बल्ब फ्यूज हो जाए तो, और आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी नॉलेज हो तो। बहुत ही कमाल का लग रहा है। और आइए मैं इसका हीटर भी ऑन कर देखता हूँ कि कैसे ऐसे ऑन होता है। दोस्तों ये देखिए ये जो है हमारा इसके अंदर हीटर ऑन हो गया है, और आपको पता कैसे चलेगा कि हीटर चल रहा है, तो ये देखिए एक मैं ये देखिए यहाँ लगाता हूँ, अभी शायद स्पीड पे नहीं है तो काफी गर्म हो गया एकदम से। तो देखिए अभी हीटर की स्पीड ज्यादा होती नहीं है, पर फिर भी ये ज्यादा पेज देखिए ज्यादा चिपक नहीं रहा इस पे। तो देखिए हल्की सी इसके बाहर से हवा आ रही है जो कि गर्म है, वैसी गर्मी का मौसम है तो मुझे तो बंद करना पड़ेगा कि ये एक इसका सेंसर है यहाँ पे देखिए इसकी तरफ, आइए मैं करके देखता हूँ। अब इसका मैंने हीटर का लेवल बढ़ा दिया है 2 पे, आई थिंक 2 लेवल पे ही चलता है ये हाई सेटिंग पे हो गया, एकदम गर्म हवा फेंक रहा है इसके ऊपर। अब तो अब मुझे लगता है कि इसको मुझे बंद करना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा बंद हो गया, आई थिंक सेंसर इस तरफ है तो तभी रिमोट नहीं चल रहा, वरना एक ही बार में चल जाता है, क्योंकि तो जब भी आप घर में यूज करेंगे तो इसको थोड़ी दूर से ही यूज करेंगे। अब ये ऑफ हो गया हमारा पूरा, और आइए मैं इसको क्लोजअप से दिखाता हूँ। बैक पे थोड़े स्क्रैचेज हैं क्योंकि जब मैंने अपने घर में फिट करने की कोशिश करी तो काफी जबरदस्ती लगी, तो फिर मुझे दीवार को इस पे थोड़ी टेप लगानी पड़ी, पर ये हमारा आगे देखो तो फ्रेश पीस है। और आप देखें तो इस पे कभी अगर आप ये खरीदे तो इस पे कभी हाथ ना लगाएं, क्योंकि तो ये बहुत ऑलरेडी अभी गर्म हो चुका है। तो दोस्तों ये है हमारे फायरप्लेक्स का क्लोजअप, और अगर आप देखें तो यहाँ देखिए एकदम रियल वुड की कोई चीज़ जैसी लग रही है। अभी असली की वुड है कि नहीं ये तो उसको खोल के पता चलेगा। मेरे ख्याल से ये कोई स्टोन या पत्थर भी हो सकता है जिसके ऊपर ऐसी
जलती हुई एशिस टाइप की लुक दे रखी है, जैसे लकड़ी अगर आप जला रहे हो थोड़ी बुझ जाए तो ऐसी राख जैसी ऊपर लुक आ जाती है। बाकी कोई नहीं, ऐसा नॉर्मल है। और पीछे अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारा हीटर का ग्रिल है। बाय चांस अगर आपका इसका जो रिमोट है वो खो जाए या ख़राब हो जाए तो यहाँ से भी आप इसको मैनुअली अपरेट अंदर से कर सकते हैं। और यहाँ देखिए डो नॉट कवर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे गर्म रहता है जब आप यूज़ करते हैं तो। और हम पीछे से देखें तो कुछ नॉर्मल ही है। यहाँ पे जो इसकी हीटिंग वेंट्स हैं वो, ताकि इसकी जो गर्मी है जो आप हीटर चलाते हैं वो उसकी निकलने के लिए जगह है। यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए छोटा स्टैंड, अगर आपको उठाना हो तो इसको। यहाँ मैंने टेप लगा रही क्योंकि जब मैं फिक्स कर रहा था तो यहाँ पे पेंट ना उतर जाए, इसलिए मैंने टेप लगा रखी है। और अगर हम यहाँ जाके देखेंगे तो यहाँ इसका छोटा सा जो बल्ब आता है, अगर आप मंदिर वंदिर में देखेंगे तो छोटा सा शायद 5 वॉट का बल्ब होता है, लंबा सा बत्ती जैसी लुक होती है उसकी, वो यहाँ पे बल्ब लगता है। बाई चांस अगर आपको वो ख़राब हो जाए तो आप वो बल्ब आप चेंज कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी नॉलेज हो तो, वरना आप कंपनी वाले या इलेक्ट्रीशियन से भी आप चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपने फायर प्लेस के स्पेशली ये टाइल्स लेके आया था इसके लिए मैं। ये आई थिंक 100 रुपये या 120 रुपये स्क्वायर फुट की टाइल्स मिली हमें। और अगर आप देखें तो एकदम पत्थर की हैं ये, और ये हमारी ब्राउन ग्रे सी कलर की आती हैं। तो ये देखिए, और अंदर एकदम आला बनाया है ताकि हमारा जो फायर प्लेस है स्पेशली इसके लिए नापा गया है, और बीच में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हुई थी तो टाइल हमने काटी, और ये आले में पूरा हमारा फायर प्लेस फिट आ जाएगा। और पीछे देखिए ये पावर के लिए है, क्योंकि हमारे उसके लिए नॉर्मल बिजली की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पावर का सॉकेट भी अंदर ही छुपा हुआ है ताकि वायर जो है उसकी बाहर ना निकले। और मैं इसको ऊपर दिखाता हूँ, ऊपर देखिए यहाँ पे वुड का ऊपर विनियर और हमारी प्लाईवुड लगा रखी है, तो एकदम बड़ी अच्छी फिनिश लग रही है अगर हम देखें तो तीनों तरफ से देखिए। और आइए अब इसके अंदर हमारी फायर प्लेस सेट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने अपनी फायर प्लेस जो है इसको इंस्टॉल कर लिया है, और ये देखिए एकदम फिट आई है और बहुत ही कमाल की लग रही है, और भी कमाल की लगेगी। अभी मैं लाइट्स जरा करता हूँ ऑफ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लगती है अंधेरे में। दोस्तों हमने लाइट अभी ऑफ कर ली है, और आइए इसको करते हैं ऑन। तो ये देखिए कितनी कमाल की लग रही है हमारी फायर प्लेस। अभी हमारी मैक्सिमम मोड पे है, अगर मैं चाहूँ तो इसका मोड कम कर सकता हूँ। ये देखिए ये हमारा सबसे कम हीट लेवल पे है, हीट लेवल मतलब कि इसमें गर्मी नहीं आ रही अभी, पर दिखने में सबसे कम फायर है। और ये नंबर 2 3 4 5, तो देखिए 5 हमारे मोड हैं फायर प्लेस के, और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और बहुत कमाल के लग रहे हैं। आपकी घर की एकदम शोभा बढ़ जाएगी। मैंने भी घर में लगवाया और सब आके पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ लगाई है आपने। तो दोस्तों ये है हमारा फायरप्लेस, इसका कोई ब्रांड नहीं है, ये चाइना से इंपोर्ट होते हैं, आई थिंक कहीं और से भी मिलते हैं, पर ये जो है मेरा चाइनीज़ है, पर ऐसा नहीं है कि लो क्वालिटी का, ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटीज़ में आता है, और ये यूजुअली इंडस्ट्रियल होटल वगैरह में यूज़ होता है, और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके घर की डेकोरेशन के लिए आपके घर में 10 से 4 चांद लगा देगा। और ये मैंने यार फिर से बता दूँ, मैंने 25,000 रुपये का लिया था बिना GST के, अगर आप GST लगाएंगे तो आपको 30,000 से ऊपर पड़ जाएगा। ये मैंने लिया है दिल्ली में साउथएक्स से लिया है, आप अपनी मार्केट में पता कर सकते हैं कि कहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों ये थे हमारा फायर प्लेस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।